में अपराधियों के बुलंद हौसले को देखते हुए प्रदेश की पुलिस भी अब चौकस हो गई है। अपराधियों को पकड़ने के लिए बिहार पुलिस नए नए अभियान चलाकर जेल भेजने की तैयारी कर रही है। पटना, मामला पटना के पालीगंज का है, जहां वाहन के ड्राइवर के साथ लूटपाट की घटना को अंजाम देने वाले दो अपराधियों को पुलिस ने पकड़ लिया। वहीं माल सलामी में वर्चस्व को लेकर भिड़े दो गुटों में हुई गोलीबारी के मामले में पुलिस ने विशेष टीम बनाकर तीनों अपराधियों को हथियार समेत गिरफ्तार किया है। इन लोगों पर अलग से आर्म्स एक्ट के तहत भी मामला दर्ज किया गया है। वहीं तीसरा मामला फुलवारी शरीफ का है, जहां हत्याओं और चोरी के कांडों में शामिल छह अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तलाशी के दौरान इन लोगों के पास से पुलिस ने कुछ हथियार और मोटरसाइकिल बरामद की है। छह अपराध कर्मी जो हैं वो गिरफ्तार हुए हैं और इनको गिरफ्तार किया गया है दो हथियार के साथ और कारतूस के साथ। और इनमें से कई का पुराना आपराधिक इतिहास है। मोहम्मद शहाबुद्दीन उर्फ भोला है, ये 356-379 जिसको सामान्य भाषा में या 456-379 जिसको सामान्य भाषा में छिनतई के कांड बोले जाते हैं, लूट चोरी इस तरह के कांड जो हैं इसमें पहले जो हैं वांछित रहे हैं। अपराधी आकाश कुमार हैं, इनका भी लूट और छिनतई के कांडों का पुराना इतिहास है। अरशद उर्फ शहदाब, ये शस्त्र अधिनियम और मर्डर के केस में पहले जेल गए हुए हैं। मोहम्मद इमरान, इनका डकैती और छिनतई का पुराना इतिहास है। पटना, प्रदेश की राजधानी पटना के सैदपुर हॉस्टल के पास हुई गोलीबारी में दो छात्रों को गोली लगी। गोलीबारी के बाद दोनों छात्रों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां एक छात्र की इलाज के दौरान मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस का कहना है कि अपराधियों की पहचान कर ली गई है और जल्द ही अपराधियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। नाम भी आया हुआ है, हम लोग जल्द से जल्द। सर, अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही है, सर क्या हो रहा है? जब हम लोग जो है इस पर जो है लगातार जो है प्रयास हम लोग कर रहे हैं। आज भी जो है आप लोगों के सामने ही जो प्रेस ब्रीफिंग हुआ है, उसमें 11 अपराधी 6 पिस्टल के साथ पकड़ाए हैं, तो हम लोग लगातार जो है इसको रोकने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर, वहीं मुजफ्फरपुर के मीनापुर थाना क्षेत्र में अज्ञात अपराधियों ने बालू व्यवसाय को बाइक सवार अपराधियों ने गोली मारकर घायल कर दिया। घायल को स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। एक राजा नाम के लड़के को गोली मारी गई है। अब हम लोग कुछ अपराधियों की पहचान कर रहे हैं और कारण जानने का प्रयास कर रहे हैं, क्या कारण है, उसके बाद रेड छापेमारी कर रहे हैं। कुछ कितना गोली लगा? गोली अभी डॉक्टर के हिसाब से तो एक ही ने बताया है। ठीक है, फिलहाल प्रदेश में पुलिस लगातार अपराधियों को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही है।